हाय एवरीवन, कैसे हो? फिर से मेरे यूट्यूब में वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में आपको कुछ सीखने वाले हैं और आपको फुल जानकारी मिलने वाली है। और वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर इसी तरह की वीडियो लेटेस्ट वीडियो आपके लिए आती रहेंगी बिल्डिंग के बारे में, तो आपको फुल जानकारी मिलने वाली। ये आप देख रहे हैं इस पर जो हमारा काम हो रहा है और इसमें जो काम के बारे में आपको फुल जानकारी देने वाले हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये अद्दा और ईंट लगाई जा रही हैं। अद्दा ईंट का मतलब होता है कि अगर अद्दा ईंट लगवाओगे छत में, अगर बिछाते हैं तो उसमें लहरिया नहीं आती है। जो आपने देखा होगा वो जो लहरिया बिछाते हैं इस तरीके से ईंटों की, तो अद्दा ईंट में लहरिया नहीं बन पाएगी। और अगर ईंट ईंट अगर होती हैं, टाइल्स होती है चाहे ईंट होती हैं, तो उसमें लहरिया आपकी बन जाती है, क्यों इसमें नहीं बन पाएगी अगर अद्दा ईंट बिछवाएंगे तो। तो ये तो हो गया आपकी एक सवाल हो गया। तो अगर दूसरा सवाल की बात करें तो अब अगर जब ईंट आप आधे ईंट अगर बिछा रहे हैं तो आप उसमें आधा इंची लगभग आधा इंची से ज़्यादा नहीं लें और कम भी नहीं लें, आधा इंची उसमें गैप लेके आप चलें बिल्कुल एक्यूरेट। क्योंकि जब तक आपका आधा इंची उसमें मसल नहीं जाएगा ईंट और अद्दे के बीच में, जब तक आपका जॉइंट नहीं मजबूत होगा बिल्कुल, तो इसकी वजह से आपको आधा इंची गैप आपको लेना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप बिछा सकते हैं। और मिट्टी का एक्यूरेट ढलान लेके जब भी आपको ईंट बिछाएं, क्योंकि मिट्टी अगर ढलान नहीं लोगे तो वो क्या फिर आपकी डबक रह जाएगी और आपकी छत पर पानी भर सकता है। तो आपको यही बताने वाला हूँ। और इसमें अगर बात करें तो इसमें जो एक्यूरेट जो होती है, जैसे मतलब मसाला कितना चलाना है, तो अगर छत की और मसाले की बात करें तो इस पर कम से कम आपको मसाला अगर बिछाना है आपको, जैसे आपको घोल करना है तो घोल जो करें तो उसको थोड़ा सा छान के, अगर तुम कंक्रीट वाला घोल करते हैं जैसे उसमें चम्मल के अंदर कंक्रीट है उसको घोल कर दें तो कंक्रीट टिक जाती है बीच में, तो उसके नीचे पोलपन रह जाता है, मसाला नहीं बैठ पाता पूरा। तो इसकी वजह से आप छान के उसमें घोल करें, और घोल भी आप 4:1 का 3:1 का 4:1 का एक्यूरेट करके, बस 4:1 का ही आप घोल इसमें कर सकते हैं छत में, आपकी मजबूती फुल तरीके से आएगी। और तराई की बात करें तो तराई इसमें आपको कम से कम अगर घोल करते हो तो उसमें आपको छत पे पानी भरना पड़ेगा, अगर फुल गर्मी आपके हिसाब से है तो। अगर सर्दी में अगर छत बनवा रहे हैं तो उसमें पानी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पानी उसमें डाल सकते हैं। तो यही आपको बताने वाले थे कि छत के बारे में। और ये जो ईंट अद्दे हैं ज़्यादा अब्बल नहीं बिछवाएं, पीराई बिछवा सकते हैं, मजबूती बनती है, उसमें मसाला पकड़ करता है। तो आगे वीडियो हम मिलते हैं, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियो लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं।